What's up guys, it's me Tejas, you're watching Element Tech and आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ ऑफ अ गेमिंग माउस बाय फ्लिपकार्ट. This is the Flipkart Dash Series G40 Gaming Mouse. ये ऐसे पैकेजिंग में आपको मिलता है फ्लिपकार्ट से एंड अभी सेल के टाइम में बहुत ही सस्ते में आपको मिल रहा है. आपको ऑलमोस्ट 350 या फिर 370 तक वो मिल जाएगा. विदाउट एनी फर्दर डिले, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वेल, ये है फ्लिपकार्ट डैश सीरीज गेमिंग माउस का बॉक्स एंड ऐसे आपको पैकेजिंग मिल जाती है. यहाँ पे MRP जो है वो 899 दी गई है, बट देन ये आपको सेल में समथिंग अराउंड 350 वगैरह आपको ये मिल जाएगा. तो इसको बॉक्स जो है मैं फटाफट ओपन कर लेता हूँ. मैं अपना छुरा लेके आ गया हूँ, इसको मैं इसे ओपन कर लेता हूँ. ओके, सो द रिवीलिंग मोमेंट इज हियर एंड इन 3, 2, 1 मैं इसको ओपन कर लेता हूँ. वेल, अगर बॉक्स कंटेंट की बात करें तो आपको ज़्यादा कुछ देखने नहीं मिलता है यहाँ पे. सिर्फ डायरेक्टली ये माउस दिया गया है विद द केबल, तो केबल ऑब्वियसली उसमें अटैच्ड ही है. एंड यहाँ पे एक अच्छी बात मैंने ये नोटिस कर ली है कि ये जो केबल है इट इज़ अ वायर्ड केबल. एज यू कैन सी ये टेक्सचर आप देख सकते हो, USB है वो भी काफ़ी हैवी है. मतलब यहाँ पे आपको कोई वेयर एंड टेयर का इशू नहीं होगा, काफ़ी स्मूथली चल जाएगा ये. इसका मैं ये बबल रैप जो है वो निकाल लेता हूँ एंड this is how the mouse looks. As you can see, काफ़ी ergonomic design है and ये जो buttons है इसके, ये जो ऊपर वाला black portion है, it is a matte rubbery design, glossy नहीं है and इसको जो finishing है वो काफ़ी smooth है. And ये जो side वाला part है it is a plastic and काफ़ी premium plastic लग रहा है. ऐसा कोई low quality भी माल नहीं लग रहा है, ये काफ़ी अच्छा design है. And this mouse has RGB lighting with 7 colors, तो काफ़ी अच्छा है. अगर मैं response की बात करूँ तो as you can see clicks बहुत awesome है. as you can जैसे कि आपको सुनाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको 5 बटन मिल जाते हैं टोटल. द लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, यहाँ पे DPI चेंज वाला बटन आपको दिखने मिल जाएगा. देन अगर लेफ्ट साइड में देखूँगा तो ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन यहाँ पे है. तो ऐसे करके आपको टोटल 5 आपको बटन्स देखने मिल जाते हैं यहाँ पे. एंड इसका जो रोलर है ये भी काफ़ी स्मूथ है एंड एक अच्छा रिस्पांस दे रहा है. मैं इसको फटाफट लैपटॉप से कनेक्ट कर लेता हूँ एंड देन आई शो यू द RGB लाइटिंग. तो मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूँ PC से एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कनेक्शन, तो मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा यहाँ पे कि कैसे रिस्पॉन्स करता है ये. तो यहाँ पे मैं इसको प्लग कर दिया एंड एज यू कैन सी इमीडिएटली जो RGB लाइटिंग है वो चालू हो चुकी है एंड यहाँ पे आपको टोटल 7 कलर्स देखने मिल जाते हैं. एंड ये जो कलर्स है वो कंटिन्यूसली स्विच होते रहते हैं. एज यू कैन सी, मैं आपको क्लोजअप दिखा देता हूँ. सो एज यू कैन सी जो कलर्स जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं एंड बहुत ऑसम लग रहा है ये माउस. एंड आई डेफिनेटली नो कि ये जो कम लाइटिंग कंडीशन है या फिर रात में ये काफ़ी अच्छा लगने वाला है. वेल, अगर इस माउस का मैं इन हैंड फील बताऊँ तो हाथ में कंफर्टेबली फिट हो जाता है एंड एज आई सेड जो रोलर है उसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है एंड इसके क्लिक्स भी काफ़ी सेटिस्फाइंग है. बट इस माउस का वेट जो है वो थोड़ा हैवी है. नॉर्मल माउस से आपको थोड़ा डिफरेंस जरूर फील होगा हाथ में, बट ये डिफरेंस तभी आपको फील होगा जब आप माउस को लिफ्ट करोगे. बट जब भी आप यहाँ पे नॉर्मली स्क्रोल कर रहे हो या फिर माउस को मूव कर रहे हो आपको वेट उतना नोटिस नहीं होगा. वेल, दिखने में तो ये माउस काफ़ी कूल है एंड इसका जो LED लाइटिंग है वो भी एकदम ऑसम लगता है दिखने में. मैं इस माउस को थोड़ा एक आध हफ्ते के लिए अच्छे से यूज़ करूँगा एंड आफ्टर दैट आई विल कम विद अ रिव्यू वीडियो कि ये एग्जैक्टली कैसा है, इफ़ इट इज़ यूजफुल और नॉट. तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन ताकि आप ये रिव्यू वीडियो मिस ना करो. वेल, आई होप आपको ये अच्छा लगा वीडियो एंड अगर आपको ये गेमिंग माउस भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर लो, शेयर कर लो इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट में लेके आता रहता हूँ. जरूर मेरे बाकी वीडियोज भी चेकआउट कर लो एंड अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना. तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, इट्स मी तेजस साइनिंग ऑफ, यू वॉचिंग एलिमेंट टेक एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वन.